जय गुरु। चलिए आज परम ब्रह्मा से श्री ठाकुर उनको चंद्र जी कैसे तेंदुआ का सामना किए थे उसके बारे में आलोचना करेंगे। एक दिन रात्रि 9 या 10 बजे का समय था। श्री ठाकुर किशोर त्याग के घर जा रहे थे। उनके साथ एक लालटेन लेकर ज्योतिष घोषदा भी थे। रास्ता में एक दल पालतू सुअर खुले मैदान में सोया हुआ दिखाई दिया। बड़े बड़े सुअर जो बाघ के साथ लड़ सकते हैं, वे सभी अपने बच्चों को चारों तरफ से गोल घेर कर बैठे हैं। सुअर साधारणतः गंदे स्थानों में रहता है, लेकिन अपना मल मूत्र रहने के स्थान से दूर जाकर त्यागता है। बच्चे जब मल मूत्र त्यागने के लिए दल छोड़कर दूर जाते हैं, तब बाघ या अन्य जंगली जानवर उसे पकड़कर ले जाता है। ठीक उसी समय निकट झाड़ी में एक बड़ा तेंदुआ घात लगाकर सुअर के बच्चे के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। श्री ठाकुर ज्योतिष घोषदा से बोले, वो देखो तेंदुआ किस तरह घात लगाकर बैठा हुआ है। तुम एक काम करो, लालटेन को नीचे रखो, बाघ की तरह धीरे धीरे हाथ पैर पर चलते हुए बाघ की ही आवाज़ करते हुए उस तेंदुए की तरफ आगे बढ़ो। आदेश पाते ही ज्योतिषदा बाघ का रूप धारण करके आवाज़ करते हुए तेंदुए की तरफ आगे बढ़ने लगे। तेंदुआ के थोड़ा नज़दीक उनके पहुंचते ही वो उछल कर दूसरी जगह पर जाकर बैठा। ज्योतिषदा श्री ठाकुर के निर्देश पर फिर उसी तरह उसकी तरफ बढ़े। तेंदुआ फिर कूद कर दूसरी जगह जाकर बैठा। इसी तरह 3-4 बार करने पर तेंदुआ डर के मारे भाग गया। तब श्री ठाकुर बोले, चले आओ, काम हो गया, तुम्हारे डर से तेंदुआ भाग गया। ज्योतिषदा बोले, मैं निश्चिंत और निर्भय था क्योंकि आप जो मेरे साथ थे। जय गुरु।